अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो कुछ दिन पहले मैं अपनी अम्मी के घर गई हुई थी, तो वहाँ पे हमारा चिकन चाउमीन खाने का बहुत दिल कर रहा था, तो मैंने सोचा कि चिकन चाउमीन बनाते हैं और इस साथ साथ इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। तो चले रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए अब हमने एक पतीले में पानी ले लिया था और साथ ही हमने इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो ऑयल ऐड किया है और 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है और इसको बॉयल आने के लिए छोड़ दिया है। और साथ हमने इसको स्पेगेटी ली है, 450 ग्राम्स मैंने स्पेगेटी ली थी इसमें, और हमने इसको पानी में ऐड कर दिया है ताकि ये अच्छे से बॉईल हो जाए। बहुत ज़्यादा आपने इनको बॉईल नहीं करना कि ये बहुत सॉगी हो जाए, बहुत जुड़ जाए, ढीली पड़ जाए। बस 5 से 7 मिनट आपको लगेंगे और आपने तकरीबन 85% आपने इसको बॉयल करना है। बहुत ढीली हो जाए नूडल्स या स्पेगेटीज़ तो वो खाने में अच्छी नहीं लगती हैं। तो चले हमारी स्पेगेटीज़ जो हैं वो बॉईल हो गई हैं। अब हम इनको ड्रेन करके इसके ऊपर से ठंडा पानी गुजारेंगे और साथ 1 टेबल स्पून जो है वो ऑयल ऐड कर देंगे। और यहाँ पे मैं चिकन को मैरिनेट करने के लिए उसकी सॉस रेडी कर रही थी। इसके लिए मैंने सोया सॉस ली है, इसमें सोया सॉस मैंने ऐड की है 2 टेबल स्पून, विनेगर मैं इसमें 1 टेबल स्पून ऐड करूँगी, वन टीस्पून भर के मैंने इसमें वाइट पेपर ऐड किया है, वन टीस्पून इसमें सॉल्ट डालेंगे, और 1 टीस्पून जो है मैंने इसमें गार्लिक पाउडर ऐड किया है। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, चिकन मैंने यहाँ पे लिया है बोनलेस, 400 ग्राम्स चिकन मैंने लिया है और आपने इसको स्मॉल पीसेस में, स्मॉल क्यूब्स में कट कर लेना है। और ये जो आपने मैरिनेशन इसकी रेडी की है, इसको आपने इसमें ऐड करके इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देना है फॉर 10 मिनट्स। अच्छा, मैंने इसमें बेकिंग सोडा भी 1 पिंच ऐड किया था। और यहाँ पर हम चाउमीन सॉस रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने इसमें 4 टेबल स्पून जो है वो सोया सॉस ऐड की है। आपने भर के 4 टेबल स्पून सोया सॉस के ऐड करने हैं। अब हम इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे 5 टेबल स्पून। अच्छा, ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है ना, ये मैं 400 ग्राम्स चिकन और 450 ग्राम्स स्पेगेटीज़ के हिसाब से बना रही थी। तो अगर आपने इस रेसिपी को डबल करना है तो आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो डबल डाल लेंगे इसमें। चिली गार्लिक सॉस जो है वो इसमें 2 टेबल स्पून जाएगी। ऑयस्टर सॉस मैंने इसमें डाली है 3 टेबल स्पून। अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। वन टीस्पून सॉल्ट डालेंगे और 1 टीस्पून ही हम ब्लैक पेपर डालेंगे। अब मैंने इसमें 2 टेबल स्पून के करीब वॉर्चेस्टरशायर सॉस भी ऐड की है और 1 टेबल स्पून विनेगर भी ऐड किया था, लेकिन वो मैं शूट करना भूल गई हूँ। अच्छा, इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब 4-5 टेबल स्पून के करीब मैंने एक पैन में ऑयल लिया है और जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था वो हम इसको कुक करने के लिए इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। चलिए, चिकन हमारा कुक हो रहा है, इसके साथ ही हम एक वॉक लेंगे और उसके अंदर हमने ऑयल ऐड किया है 4-5 टेबल स्पून और 1 कप के करीब मैंने इसमें कैरेट ऐड की है, जूलियन कट में कट की हुई, और कैप्सिकम भी मैंने 1 कप ऐड की हैं। हम इनको सौते कर लेंगे।
बहुत ज़्यादा आपने कुक नहीं करना, बस 1-2 मिनट्स के लिए इनको सौते करना है वेजिटेबल्स को, और फिर आप इनको एक प्लेट में निकाल लें। चलें, वेजिटेबल्स भी हमारी डन हो गई हैं। अब हमने 2 टेबलस्पून ऑयल के अंदर 1 टेबलस्पून गार्लिक क्रश किया हुआ ऐड किया है, और साथ ही 1 कप इसमें स्प्रिंग अनियंस भी डालेंगे। अच्छा, अनियन का कलर भी आपने चेंज नहीं करना कि आप इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन कर दें या इसका कलर चेंज कर दें, बस हल्का सा ट्रांसलूसेंट रखना है आपने, इसको हल्का सा सौते करना है आपने। आप जो बॉयल की हुई स्पेगेटीज थी वो हम इसमें ऐड करेंगे। चलें, चिकन हमारा अच्छे से कुक हो गया है, वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब जो हमने सॉस रेडी की थी वो भी इसमें ऐड करेंगे। और साथ ही वेजिटेबल्स भी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत मज़े की रेसिपी रेडी होती है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। अब इसमें मैंने हल्के से बेजल लीव्स और हल्के से जो कह लें 1/2 टीस्पून के करीबी थाइम लीव्स को स्प्रिंकल किया है, और 5 मिनट्स के लिए मैंने इसको दम पे रख दिया है। और ये देखें, मज़ेदार सा चिकन चाउमीन आपका रेडी हो गया है। ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा।